आपके साथ। लोकतांत्रिक युवा जनता दल ने देश बचाओ युवा बचाओ का लगाया नारा। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। युवाओं द्वारा आत्महत्या करने पर भड़का दल। केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकार युवाओं से वादा करके दे रही है धोखा। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती जा रही है संख्या। मोदी सरकार द्वारा करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा महज एक जुमला। शहर के आरंसा चौक पर एकजुट हुए युवा लोजत के कार्यकर्ता। जमकर की नारेबाजी। आज लोकतांत्रिक युवा जनता दल पूर्णिया द्वारा युवा बचाओ देश बचाओ के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया जा रहा है। आज युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है। हर एक क्षेत्र में आज युवा आत्महत्या कर रही है। नरेंद्र मोदी युवाओं से वादा करके आज उन्हें धोखा देने का काम कर रही है। हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम उनका आज जुमला साबित हुआ है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बेरोजगार युवक आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। और बिहार के हर एक जिले में युवा बचाओ देश बचाओ के तहत नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है युवा लोकतांत्रिक के बैनर तले रखा गया है। जिस प्रकार आज समाज की ये स्थिति हो गई है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम युवा को देंगे, आज स्थिति ये हो गई है कि 2 लाख रोजगार हर साल जा रहा है। करोड़ों की संख्या में रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं। युवा अपने आत्महत्या करने के मजबूर में नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आज समाज की ये स्थिति हो गई है। कुछ नेता कुछ लोग धमकियां देने का काम करते हैं, कुछ छात्र नेता कुछ युवा नेता पे। ये चीज करना बंद करो, नहीं तो युवा लोकतांत्रिक जनता दल और छात्र लोकतांत्रिक जनता दल हर बार के लिए तैयार। कल जो SSC का पेपर लीक होने की प्रसार रही है, ऐसे में छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है? सीधा सा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये दोनों सरकार युवा और छात्र को बेहाल करने का काम किया जा रहा है। इस पे जल्दी से जल्दी सरकार एक्शन ले, नहीं तो छात्र लोकतांत्रिक जनता दल पुनः इस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेगी।